विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे आरोग्य के विषय में बात करने का थोड़ा समय मिलता है। आपसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से मराठी भाषा नहीं बोल पाता, इसलिए हिंदी मराठी मिलाकर बात करूँगा। मेरी बात आपको ठीक से समझ में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब अपने भारत में रहने वाले नागरिक आज अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो अपने आरोग्य के लिए अपनी चिकित्सा के लिए। संपूर्ण भारत देश में 110 कोटी नागरिक रहते हैं। हमारा भारत की जो लोक संख्या है वो 110 कोटी की है। इस 110 कोटी की लोक संख्या में सबसे जास्ती लोक संख्या शेतकरी नागरिकों की है, काश्तकार। 77 कोटी शेतकरी नागरिक इस देश में, और बाकी लगभग 30 से 33 कोटी नागरिक शहर में रहते हैं। शहर और गांव में रहने वाले जो नागरिक हैं, इनको अपने जीवन में तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, और उन रोगों की चिकित्सा के लिए वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। हमारे अपने जीवन के जो रोग हैं जिनकी चिकित्सा में हम पैसा खर्च करते हैं, मैं उसके बारे में एक बार भारत सरकार को एक पत्र लिखा था। भारत सरकार का आरोग्य खाता है, उसके एक मंत्री हैं, आरोग्य मंत्री भारत देश के। उनको मैंने प्रश्न पूछा कि 110 कोटी भारतीय नागरिक हैं, इसमें कितने कोटि नागरिक स्वस्थ हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक भारत में अभी नहीं है, जास्ती से जास्ती नागरिक अस्वस्थ हैं, रोग है उनको। तो क्या क्या रोग है? तो उन्होंने बताया कि लगभग भारत में 10 कोटी नागरिक हैं जिनको डायबिटीज, डायबिटीज माने मधुमेह, शक्कर का रोग। उसमें से 7.5 कोटी नागरिक तो ऐसे हैं जिनको बहुत भयंकर है, और लगभग 2.5 कोटि नागरिक ऐसे हैं जिनको अभी शुरू हुआ है। ऐसे 10 कोटि नागरिकों को डायबिटीज है। 12 कोटि नागरिक भारत में ऐसे हैं, स्त्री पुरुष, जिनको दमा है, अस्थमा, दमा, अस्थमा और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। फिर लगभग भारत में 10-12 कोटि नागरिक ऐसे हैं जिनको संधिवात है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, संधिवात से परेशान। फिर भारत देश में लगभग 5 से 6 कोटी नागरिक हैं जिनको पोट की समस्या है, जैसे मूड़ व्याध है, बवासीर है, भगंदर है, अपच है, कोष्ठबद्धता है, ऐसी बीमारियां। लगभग 10 से 12 कोटी नागरिकों को आंखों के रोग हैं, या तो उनको कम दिखाई देता है या बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, या तो मोतियाबिंद आ गया, या तो काला पानी हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ऐसी ऐसी बीमारियां। और इन सब बीमारियों के लिए हर दिन खर्चा लगता है। अगर आपको डायबिटीज है, शक्कर का रोग है और आप किसी भी डॉक्टर से इलाज कराएं, तो कम से कम तो साल का खर्च 6-7 हजार रुपए हो जाता है, महीने का खर्च 500 से 600 रुपए आता है, क्योंकि डॉक्टर को एक इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता है, इंसुलिन इंजेक्शन, तो रोज लगाओ तो ठीक रहोगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, और डॉक्टर बोलता है जीवन पर्यंत उसको लगाना, तो जीवन पर्यंत आपको 5-6 हजार रुपए साल का खर्चा हो गया। अब अगर आप 10 साल इलाज कराएंगे तो 60-70 हजार रुपए गया आपका, ठीक होने की संभावना नहीं, क्योंकि एलोपैथी के सभी डॉक्टर बोलते हैं कि डायबिटीज रोग ठीक नहीं होता। ऐसे ही दमा है, अस्थमा है, उसके बारे में सभी डॉक्टर बोलते हैं कि ये बीमारी ऐसी है जो दम निकलने के बाद ही जाती है, भले आपकी मृत्यु हो जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं दमा के बारे में। और दमा का इलाज अगर कोई एक व्यक्ति कराए एलोपैथी में, तो महीने का खर्च कम से कम 700-800 रुपए आता है, साल का खर्च 10 हजार रुपए तक आ जाता है, फिर भी ठीक होने की कुछ गारंटी नहीं। ऐसी मूड़ व्याध है, बवासीर है, भगंदर है,
इसके बारे में वो कहते हैं ऑपरेशन कराओ, लेकिन ऑपरेशन के बाद फिर हो जाता है, फिर ऑपरेशन कराओ, फिर हो जाता है, और एक ऑपरेशन में 15-20 हजार रुपए खर्च हो जाता है। तो एक व्यक्ति को जिंदगी में 3-4 बार कराना पड़ा तो उसका 70-80 हजार रुपए। तो ये सब बीमारियां जो हमारे शरीर में है, इनका तो कुछ ऐसा इलाज होना चाहिए जो स्थायी हो, परमानेंट हो, बार बार बीमारी ना आए, एक बार में ठीक हो जाए और खर्चा भी ज्यादा ना लगे। क्योंकि ये तो खर्चे वाली बीमारियां हैं, अगर इनको हम ठीक करने के लिए परेशान रहे तो जिंदगी कर्जे में डूब जाती। मैंने बहुत सारे शेतकरी नागरिकों को देखा है कि उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, सिर्फ इसलिए कि बीमारी के लिए, चिकित्सा करने के लिए उन्होंने कर्ज लिया है। कई शेतकरी भाई ऐसे हैं जिनका घर बिक जाता है, जमीन बिक जाती है, गाय बैल सब बिक जाते हैं, ऐसी स्थिति गांव-गांव में है। मैं पिछले कई वर्षों से इस चिकित्सा विषय का अभ्यास करता हूँ और अभ्यास इस दृष्टि से करता हूँ कि भारत के नागरिकों को सस्ती से सस्ती चिकित्सा कैसे मिले और जिंदगी भर वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए क्या उपाय हो। तो इस दृष्टि से मैंने भारत देश में सबसे पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का मैं पिछले कई वर्ष से अभ्यास करता हूं। भारत देश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। जब इस देश में भगवान कृष्ण हुए ना, महाभारत हुआ, उसको 5000 वर्ष पूरे हो गए, वो समय से आयुर्वेद चलता है। और कई जगह तो हमारे पुराने शास्त्रों में है कि रामचंद्र जी के जमाने में भी आयुर्वेद था, क्योंकि राम जी के भाई थे लक्ष्मण, उनको मूर्छा आई थी रावण के साथ युद्ध करने में, तो उनकी चिकित्सा संजीवनी नाम की एक बूटी से हुई थी, वो संजीवनी आयुर्वेद की औषधि है। तो अगर राम जी के बारे में बात करते हैं और उस समय का सोचते हैं तो रामचंद्र जी को हुए 5,13,000 वर्ष हो गए। इसका अर्थ यह है कि 5,13,000 वर्ष पहले भी आयुर्वेद चिकित्सा थी। और भगवान श्री राम की जो सेना थी उसमें एक आयुर्वेद के चिकित्सक थे, उनका नाम था सुषेण, वैद्य थे वो। तो रावण के साथ युद्ध होता था तो रात्रि को जो वैद्य थे वो सबकी चिकित्सा करते थे, किसी को तीर लगा, किसी को भाला लगा, किसी को कुछ लगा, चोट लगी तो उसकी चिकित्सा करते थे। इसका माने भगवान श्री राम के समय में भी आयुर्वेद था। मैं कहना ये चाहता हूं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति लाखों वर्ष पुरानी है, और अगर कोई चिकित्सा पद्धति लाखों वर्ष पुरानी है तो इसका अर्थ यह है कि उसमें सच्चाई है, तो उसमें ताकत है, नहीं तो इतने साल कोई चिकित्सा पद्धति चल नहीं सकती। अभी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, ये मुश्किल से 200-250 वर्ष पुरानी है, 250 साल पहले ये शुरू हुई है, और अभी से ही इतनी तकलीफ उसमें आ रही है कि डॉक्टर खुद परेशान है। उनकी परेशानी क्या है, रोज एक नई दवा आती है और रोज एक नया रोग आता है, जितनी दवाएं आती हैं उतने नए नए रोग आते हैं, और कई बार दवाएं फेल हो जाती हैं, रोगी ठीक नहीं हो पाते। हमने कभी नहीं सुना ऐसा एक रोग इस साल आया, चिकनगुनिया, सुना आपने चिकनगुनिया? मैंने कभी सुना नहीं जिंदगी में चिकनगुनिया, लेकिन आ गया। और इस चिकनगुनिया में इतना तकलीफ हुई है, लाखों लोग इसमें परेशान हुए और हजारों लोग तो बेचारे मर गए, क्योंकि इसकी औषधि नहीं है डॉक्टरों के पास। तो ऐसे नए नए रोग आते रहते हैं, नई नई चिकित्सा करते रहते हैं, फिर दवाई आती है, फिर रोग आते हैं। तो मैं जब ये चिकित्सा विषय का अभ्यास करता था तो मुझे पता चला कि ये जो एलोपैथी चिकित्सा है, आधुनिक चिकित्सा है, इसमें क्या होता है कि दवाएं जो है ना वो ही रोग पैदा करती है। आप जो गोली खाते हैं वो गोली आपको एक रोग में से निकालती है, दूसरे में फंसा देती है, ऐसी दवाएं हैं। जैसे आपका रक्त दबाव जास्ती है, माने है ब्लड प्रेशर हाई है, बीपी, उसकी आप गोली खाओगे और लगातार खाओगे तो थोड़े दिन में आपके हृदय घात हो जाए,
हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो गोली आप खा रहे हो उस गोली की विशेषता है कि वो हृदय घात लाते हैं। ऐसे ही कभी आपका सिर दर्द होता है धोखे धोखे, उसमें आप कोई गोली खाते हो एस्पिरिन डिस्पिरिन, तो ये गोली सिर दर्द तो खत्म करती है लेकिन ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मस्तिष्क में खून की नस फट जाती है उसी गोली से। ऐसे ही आपको अगर ज्वर आया, ताप मलेरिया आ गया या तो टाइफाइड हो गया, तो आपको डॉक्टर एक औषधि लिखता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आप खाओगे तो ताप तो चला जाएगा लेकिन आपका जो किडनी है और लीवर है यकृत है वो खलास हो जाएगा, क्योंकि एलोपैथी की दवाएं ऐसी हैं, वो एक रोग खत्म करती है दूसरा पैदा होता है, दूसरा खत्म करती है तीसरा पैदा होता है। इसलिए जिंदगी भर आपको डॉक्टर के चक्कर में फंसना पड़ता है और आप हमेशा निरोगी नहीं रह पाते, स्वस्थ नहीं रह पाते। इसके विपरीत जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है उसमें एक सूत्र है, बहुत सुंदर सूत्र है, वो आपने शायद सुना होगा। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पूरी संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो उसमें एक सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई दुख ना हो, इसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। सब सुखी हो, शरीर से निरोगी होंगे तो सुखी होंगे, अगर आपको शरीर में कोई रोग है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते, और अगर शरीर निरोगी है स्वस्थ है आप तो जिंदगी भर सुखी रह सकते। तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कहती है सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई रोग ना हो, किसी को कोई दुख ना हो, ऐसी है। तो जब मैंने इसका अभ्यास किया तो मैंने सोचा कि ये चिकित्सा पद्धति का सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, मैंने सब सुखी हो, तो इसमें जरूर कोई सच्चाई है, कोई ताकतवर बात है, तो इसलिए मैंने उसका अभ्यास किया। अभ्यास करते 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 मुझे ये समझ में आया कि भारत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की मदद से आप जिंदगी भर निरोगी रह सकते हैं, बिना रोग के आपका जीवन चल सकता है, बस उसमें कुछ नियम का पालन करना है, जिसको आप मराठी में कह सकते हैं पथ्य का पालन करना है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ पथ्य का पालन करने का संकल्प ले लें तो जीवन पर्यंत आपको औषधि की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। वो जो पथ्य है ना, वही दुनिया में सबसे बड़ी औषधि। तो हम हमारे जीवन को अगर सुखी रखना चाहते हैं, निरोगी रखना चाहते हैं, कोई रोग हमको ना हो, तो कुछ पथ्य पालन करना है। मैं आज आपको ऐसे ही कुछ पथ्य के बारे में जानकारी देने आया हूं। अगर आप आज से ही उसका पालन शुरू करेंगे तो आपके शरीर के 50% रोग बिना किसी औषधि के एक महीने में निकल जाएंगे, और अगर आपने वो पथ्य पालन 2 महीने किया तो 80% रोग बिना किसी औषधि के चले जाएंगे, और जो 3 महीने किया तो सभी रोग आपके शरीर से चले जाएंगे। फिर आप बोलेंगे 3 महीने के बाद क्या करना, 3 महीने के बाद जो पथ्य आपने शुरू किया है उसको आगे भी चालू रखना तो दोबारा कोई रोग नहीं आएंगे। ये है आयुर्वेद का सरल सूत्र। अब आप बोलेंगे वो पथ्य क्या है, मैं आपको छोटी छोटी कुछ माहिती देता हूं। हमारा शरीर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण अंग है अपने शरीर का वो है पोट, हमारा पेट। क्यों? जो कुछ भी हम खाते हैं वो सब पोट में जाता है। खाते हम किस लिए हैं? शरीर को ऊर्जा मिले, ताकत मिले, इसके लिए खाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो सभी शरीर में ताकत के लिए, ऊर्जा के लिए उपयोग होता है। अगर खाया हुआ आपका सब कुछ पच गया तो वो ऊर्जा में और ताकत में बदल जाता है, और जो नहीं पचा तो वो सड़ता है, और अगर वो सड़ गया तो फिर जहर में बदलता है, और वो जहर जो है शरीर के अंग अंग में इकट्ठा हो जाता है।
रक्त में मिल जाता है, फिर इकट्ठा हो जाता है, और वही जहर है जो तरह तरह के रोग उत्पन्न करता है। तो इसका महत्व यह है समझने का कि जो कुछ हम खा रहे हैं वो पूरा पचना चाहिए, ठीक से पचना चाहिए। आप जानते हैं कि जो भोजन आप करते हैं, भाकरी खाया आपने, चावल खाया, दाल खाया, आम की खाया, सब्जी खाया, तरकारी खाया, मिठाई खाई, दूध पिया, दही खाया, पाक पिया, ये सब शरीर में अंदर जाके पांच तत्वों में बदलता है। जो कुछ भी आप खाते हैं, सबसे पहले खाया हुआ जो कुछ भी आपने खाया है वो पेस्ट में बदलता है। पेस्ट क्या होता है? ठोस और द्रव, उसके बीच का एक तंत्र है जिसको पेस्ट कहते हैं। तो कुछ खाया हुआ है तो वो अंदर जाके जलेगा। पहले जठर एक स्थान होता है पेट में, वहां पर अग्नि जलती है, उसको हम आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। तो जैसे ही आप कुछ खाते हैं अग्नि जलती है, अग्नि उसको पचाती है, और वो पचने के बाद फिर पांच तत्वों में बदलता है, मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य और मल। जो कुछ भी आपने खाया है ये पांच चीजों में बदलता है। मांस जो आपके शरीर में, मज्जा हड्डियां जिसको आप कहते हैं, हड्डियों में काम आने वाली चीज, रक्त आप सभी जानते हैं खून, वीर्य आपको मालूम है, और अंत में मल। मल जो है वो बिना पचे हुए भोजन का भाग है। जो भोजन आपको पचने के काम में नहीं आएगा वो मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और जो काम आएगा वो है मांस, मज्जा, रक्त और वीर्य। ये सभी में होता है, मनुष्य में, पुरुष में हो, स्त्री में हो, बच्चे में हो, बूढ़े में हो, सब में होता है, और मनुष्य के बाहर जो जानवर हैं उनमें भी होता है। कुत्ता है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, उनके शरीर में भी यही होता है। भोजन करेंगे पांच चीजों में उनके यहां भी बदलता है। अब हम जो भोजन कर रहे हैं वो बराबर पाचन हो, उसका रक्त बने, मांस बने, मज्जा बने, वीर्य बने, और जो बचा हुआ है कचरा वो मल बने, मल शरीर के बाहर निकले। ऐसे ही हम जो पी रहे हैं वो भी शरीर में है, ऐसे ही पांच चीजों में बदलता है, और अंत में जो कचरा है वो मूत्र में बदलता है। तो खाने वाला अंत में कचरा मल है, पीने वाला अंत का कचरा मूत्र है। तो मल और मूत्र तो शरीर के बाहर है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है शरीर को। शरीर को जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको वो निकाल लेता है, और जिसकी जरूरत है वो शरीर में काम आता है। मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य की हमेशा जरूरत पड़ती है तो वो शरीर के काम आता है। तो जो मुख्य बात है चिकित्सा की वो ये समझने की है कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो ठीक से पचना चाहिए, उसका मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य ठीक से बनना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक से पचना चाहिए, इसके लिए आयुर्वेद में कुछ सूत्र बनाए, कुछ पथ्य बनाए, और वो पथ्य में दो तीन महत्व की बातें हैं जिनको आज से आप याद रखिए। अगर आपको निरोगी रहना है, रोग मुक्त रहना है, कभी भी बीमार नहीं पड़ना है, तो अपनी जिंदगी में कुछ पथ्य का पालन करिए। उसमें से पहला पथ्य ये है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के एक तास के बाद पानी पीजिए। ये पहला पथ्य है। अभी कई बार क्या होता है कि हम खाने के साथ साथ पानी पीते रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते रहते हैं। एक टुकड़ा खाया, फिर पानी पी लिया, फिर दूसरा, फिर पी लिया, फिर तीसरा, फिर पी लिया। इससे बड़ी समस्या होती है। समस्या क्या होती है वो समझ लीजिए। आपने जो कुछ खाया, मैंने आपको बोला, अंदर जाके वो जलता है, और वो जलेगा तो उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य बनेगा। अब आपने भोजन किया, अंदर जलने के लिए अग्नि पैदा हुई, और आपने तुरंत पानी पी लिया, अब क्या होगा?
अग्नि शांत हो जाएगी, और अगर अग्नि नहीं है तो जलेगा नहीं, और जलेगा नहीं तो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो जहर बनेगा, जहर बनेगा तो 108 रोग पैदा करेगा। अब क्या क्या रोग पैदा होंगे वो आप सुन लो। जिनको भी भोजन पचता नहीं उनको सबसे पहला रोग शुरू होता है पेट में गैस बनना। ये जो गैस बनती है ये इसका लक्षण है कि आपको भोजन पच नहीं रहा, ये पहला लक्षण। दूसरा, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया गैस बनना, तो धीरे धीरे ये गैस जलन करती है, फिर आग पड़ती है, पेट में आग पड़ेगी, छाती में आग पड़ेगी। फिर भी आपने उसको ठीक नहीं किया तो वो थोड़े दिन के बाद जहां गैस बनती है ना वहां घाव बन जाता है, अल्सर कहते हैं उसको। फिर भी आपने ठीक नहीं किया तो वो घाव और बड़ा हो जाता है, फिर उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब फिर भी आपने ठीक नहीं किया तो फिर वही कैंसर हो जाता है, और इसी कैंसर होने के पहले घाव अगर पेट के थोड़े नीचे के हिस्से में बन गया, थोड़े ऊपर के हिस्से में तो कैंसर हो जाएगा, पेट के थोड़ा नीचे के हिस्से में बन गया तो बवासीर हो जाएगा, मूड़ व्याध हो जाएगा, बगंदर आ जाएगा। और बवासीर मूड़ व्याध बगंदर थोड़े ज्यादा दिन चल गया तो वहां भी फिर कैंसर हो जाएगा। इसलिए खाना खाने के बाद खाने का पचना बहुत जरूरी है, और खाने के पचने के लिए आग जलना बहुत जरूरी है, तो आग जलने के लिए पानी नहीं पीना जरूरी है। अगर पानी पिएंगे आग बुझ जाए। तो आयुर्वेद का पहला पथ्य है, पहला नियम है कि जिंदगी भर अच्छे से खाना आपको पचे तो आप खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना। पानी पीना हो तो कम से कम एक तास के बाद पीना। अब आपका एक प्रश्न आएगा कि खाना खाते खाते गले में फंस गया तो आयुर्वेद का दूसरा पथ्य है कि खाने को धीरे धीरे खाना, हड़ू हड़ू, जल्दी जल्दी नहीं, सावकाश। जल्दी जल्दी खाएंगे गले में फंसेगा, धीरे धीरे खाएंगे चबा चबा के खाएंगे आराम से जाएगा। तो कितना धीरे खाना खाना, इसके लिए दूसरा पथ्य है। आपके मुंह में दांत कितने हैं एक बार आप गिन लो, किसी को 32 होंगे, किसी को 30 होंगे, किसी को 28 होंगे, कोई कोई को 26 भी होंगे, दांत सभी को हैं, गिन लो आप। तो आयुर्वेद का नियम यह है कि जितने आपके दांत हैं उतनी बार भोजन को चबाना। आपने भाखरी का एक टुकड़ा तो मुंह में रखा, अगर आपके 32 दांत हैं तो उसको 32 बार चबाना, अगर 30 दांत हैं तो 30 बार चबाना, 28 दांत हैं 28 बार चबाना, 2-3 दिन गिनकर चबाना। 2-3 दिन अगर आपने गिन लिया तो 4th दिन से अपने आप वो बिना गिने ही उतनी बार वो मुंह चबाएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर में फिक्स हो जाएगा। ये जो दिमाग है ना ये कंप्यूटर है, और जबरदस्त कंप्यूटर है, इससे बढ़िया दुनिया में कोई कंप्यूटर नहीं। तो आपने 1 दिन गिना, 2 दिन गिना, 3rd दिन से गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मुंह 32 बार ही चलेगा, बस आप उसका नियम भंग नहीं करना। तो आयुर्वेद का पहला पथ्य मैंने बोला कि खाने के एक तास बाद पानी पीना। दूसरा पथ्य है कि खाने को चबा चबा के खाना। एक बार का भाखरी अगर खाया या रोटी खाया तो कम से कम 32 बार चबाना। दांत आपके अगर 30 हैं तो 30 बार चबाना, 28 है तो 28। तो अगर आप अच्छे से चबाएंगे तो सारा खाना आसानी से नीचे जाएगा, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आप कहेंगे जी खाने के बाद कुछ तो पीना चाहिए, तो आयुर्वेद ने कहा है कि हाँ कुछ पी सकते हैं, लेकिन क्या पीना है, पानी नहीं पी सकते। खाने के बाद अगर पीना हो तो ताक पीना,
दूध पीना, शेरड़ी का रस पी सकते हैं, मौसम्बी का रस पी सकते हैं, आम का रस पी सकते हैं, नींबू का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पीना। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा विचित्र है आयुर्वेद, ताक पीने की बात किया है और पानी पीने को मना करते हैं। ताक में तो पानी ही है ना, है कि नहीं? दही तो थोड़ा होता है, दही से ज्यादा तो पानी होता है, तो सादा पानी पीने का आयुर्वेद मना करता है, फिर ताक पीने का क्यों? कारण उसका यह है, पानी की एक विशेषता है। पानी के बारे में आपने सुना होगा, महसूस भी किया होगा कि पानी को जिस चीज में मिलाओ वैसा ही हो जाता है, उसका जो गुण है ना, तो जिस चीज में मिलाओ वैसे ही हो जाता है। अगर दूध में पानी को मिला दिया तो पानी का गुण दूध का हो जाता है, दही में पानी मिला दिया और ताक बना दिया तो पानी का गुण दही का हो जाता है, शेरड़ी के रस में पानी मिला दिया तो उसका गुण शेरड़ी के रस वाला हो जाता है, मौसम्बी के रस में मिला दिया तो मौसम्बी का गुण हो जाता है। तो पानी को जिसमें मिलाओ पानी वैसे ही हो जाता है। आपने वो गीत सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसके जैसे। तो आपने ताक में मिलाया है, माने दही में मिलाया, तो फिर वो पानी नहीं रहा, वो दही हो गया। दूध में मिलाया तो पानी नहीं रहा, दूध हो गया। शेरड़ी के रस में मिलाया तो पानी नहीं रहा, शेरड़ी का रस हो गया। तो पानी को दही में मिला के ताक बना के पी लो, पानी को दूध में मिला के दूध पी लो, शेरड़ी के रस में मिला के शेरड़ी का रस पी लो, भोजन के बाद पानी मत पियो एक तास तक, एक तास तक पियो, ठीक है? समझ में आया? अभी दो सूत्र हो गए, मैं फिर से दोहराता हूं ताकि याद हो जाए। पहला सूत्र है भोजन के एक तास के बाद पानी पीना, दूसरा सूत्र मैंने बताया कि भोजन को चबा चबा के खाना, ठीक है? और भोजन के बाद अगर पीना है कुछ तो ताक पीना है, दूध पीना है या रस पीना है। अब आप ये पूछ सकते हैं ताक कभी पीना, दूध कभी पीना, रस कभी पीना, तीनों का समय अलग अलग है। आयुर्वेद में हर चीज के खाने का समय है, ताक का समय है दोपहर के भोजन में, मध्याह्न भोजन जो आप करते हैं, दोपहरी भोजन वो ताक, संध्या काड़ी दूध और सकाड़ी रस। सकाड़ी जो जीवन किया आपने, ब्रेकफास्ट जिसको आप कहते हैं, नाश्ता कहते हैं, उसमें फल का रस पीना, शिरडी का रस, नींबू का रस, संतरे का रस, मौसम्बी का रस, अनार का रस, दाड़िंब का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस, जो भी फल का रस है वो सवेरे पीना नाश्ते के बाद। दोपहर को जो भोजन किया, दोपहरी भोजन आपका है, उसके बाद हमेशा ताक पीना दही का, और रात्रि भोजन जो है आपका उसके बाद दूध पीना, याद रहेगा? सकाड़ी जेवन नंतर रस जूस, दोपहरी भोजन नंतर ताक, रात्रि भोजन नंतर दूध, बस ये नियम है। तो पहला नियम हुआ भोजन के एक तास बाद पानी पीना, दूसरा नियम हुआ भोजन को चबा चबा के खाना, इतनी बार चबाना जितने हमारे दांत हैं, तीसरी बात हो गई कि भोजन के एक तास बाद पानी तो पीना है, लेकिन भोजन के तुरंत बाद अगर कुछ पीना हो तो सकाड़ी जेवन नंतर जूस, दोपहरी जेवन नंतर ताक, रात्रि जेवन नंतर दूध। आगे चले, समझ में आया? अब आगे चलो, आगे का जो पथ्य है, सूत्र है, वो क्या है? आगे का पथ्य और सूत्र ये है कि जो आप पानी पिएंगे भोजन के एक तास बाद, वो पानी कैसे पीना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने देखा है कि पानी कैसे पीते हैं, एक लोटा भरा, गट गट उतार दिया, ये सबसे खराब पद्धति है पानी पीने की, गट गट पानी पीना बहुत खराब है। इससे क्या होता है, सबसे खराब एक रोग होता है ये घुटन, यहां दर्द होता है,
एड़ी में दर्द, फिर ये दर्द, फिर ये, फिर ऊपर बढ़ता ही चला जाता है। जो लोग लोटा गड़गड़ गड़गड़ पानी पीते हैं, सबको ये पाँव दिखता है। तो पानी ये अच्छा तरीका नहीं है पीने का, पद्धति अच्छी है। फिर पानी कैसे पीना? पानी पीने की पद्धत है जैसे गर्म दूध पीते हैं। गर्म दूध कैसे पीते? एक एक घूट घूट घूट। चाय कैसे पीते हैं? चाय घूट घूट घूट। तो जैसे गरम चाय पीते हैं, गरम दूध पीते हैं, एक घूट पिया, फिर दूसरा घूट, फिर तीसरा घूट, ऐसे पानी पीना है। और अगर आपने ये पद्धति समझ ली पानी पीने की, तो जिंदगी भर आपको कोई त्रास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो जान लो आप। पानी को घूट घूट पीने का जरूरत इसलिए है कि हमारा जो मुंह है ना, इसमें सतत लार बनती है। लार समझते? हाँ, मुंह में सतत लार बनती है, 24 तास बनती है। जब हम सो जाते हैं तो थोड़ी कम बनती है, और जब हम काम में रहते हैं तो जास्ती बनती है। ये जो लार है, ये दुनिया की सबसे अच्छी औषधि है, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, फोकट फ्री। हाँ, आपने कभी देखा है कुत्ते को चोट लग जाती है, गाय को चोट लग जाती है, वो क्या करते हैं? जीभ से चाटते हैं और ठीक हो जाती है। क्योंकि गाय की जीभ पर जो लार है, कुत्ते की जीभ पर जो लार है, वो औषधि है। तो आप बोलेंगे क्या मनुष्य भी चाट के ठीक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपको अगर कहीं चोट लग गई है, आप भी चाट लो तो ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बशर्ते कि उसकी शर्त है कि आप तंबाकू ना खाएं, गुटखा ना खाएं, बीड़ी ना पिए, शराब ना पिए। गाय को देखा तंबाकू खाते हुए, देखा कुत्ते को देखा गुटखा खाते हुए, गाय बैल भैंस कुत्ते को देखा दारू पीते हुए, घटाघट घटाघट, नहीं ना। कोई जानवर तंबाकू नहीं खाता क्योंकि उसको अकल है कि तंबाकू खाने की चीज है। ये मनुष्य जो है वो तंबाकू खाता भी है और दूसरे को भी खिलाता है। मनुष्य जानवर से भी ज्यादा मूर्ख है। कुत्ते में भी इतनी अकल है जितनी आदमी में नहीं है। कुत्ते के सामने तंबाकू रख दो, सूंघ के हट जाएगा, लेकिन मनुष्य को वो तंबाकू फोकट में मिलेगी, रगड़ेगा और खाएगा, और दूसरे को कहेगा भाई तू भी खा ले, अभी तू भी मर ले मेरे। तो अगर आप तंबाकू ना खाएं, गुटखा ना खाएं, बीड़ी सिगरेट ना पिए और शराब ना पिए, तो आपका जो लार है ना जीभ का, ये सबसे अच्छी औषधि है। आप अगर अपने शरीर के किसी भी अंग को चाटेंगे तो आप भी ठीक कर लेंगे उसको। और अगर आप कहेंगे जी चाटना मुश्किल है, तो दूसरा उपाय बता देता हूं। आपके मुंह का थूक अगर उसमें लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मनुष्य के लार में भी औषधि है, जानवरों में भी औषधि है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि ये जो मुंह की लार है, क्योंकि इसमें औषधि है, इसलिए ये बाहर नहीं जानी चाहिए, ये पेट के अंदर जानी चाहिए। तो पेट के अंदर लार जास्ती से जास्ती जाएगा तब, जब पानी को घूट घूट करके पिए। अगर गटगट गटगट पानी पिया तो लार नहीं जाता, घूट घूट पानी पिएंगे, पानी मुंह में रहेगा तो लार को अंदर लेके जाएगा। तो मुंह के लार को पानी के साथ मिलाकर अगर आप अंदर लेंगे तो जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लार है ना, वात पित्त कफ तीनों का नाश करने वाली है। और तीन ही तरीके से रोग आते हैं, या तो वात के कुछ रोग हैं, या तो पित्त के हैं, या तो कफ के हैं, चौथा कोई रोग दुनिया में नहीं है। वात के रोगों की संख्या लगभग 48 है, पित्त के रोगों की संख्या लगभग 50 के आसपास, और कफ के रोगों की संख्या भी लगभग 50 के आसपास है। कुल आपके शरीर में 148 रोग हैं, और उन सभी रोगों को ठीक रखने की ताकत लार में है। इसी आयुर्वेद कहता है कि हमेशा पानी पियो तो घूट घूट भर के पियो। कर सकते हैं, आज से ही चालू करें। तो
तो आप कहेंगे समय बहुत लगेगा, लगने दीजिए, आपको करने का क्या। मान लो आपने गटगट गटगट पानी पी के समय बचा लिया, तो वो समय का क्या करेंगे आप? टीवी देखेंगे, फालतू का नाच गाना सुनेंगे, उसमें समय खराब ही होने वाला। और इधर आप पानी गटगट पी के समय बचा लीजिए, फिर बीमारी आएगी तो डॉक्टर के दवा खाने में समय जाने वाला है, वो जो बचाया तो दवा खाने में चला गया, 2 महीने 3 महीने भर्ती रहना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हजारों रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो खाने पीने का समय मत बचाइए। एक गिलास पानी पीने में 10 मिनट लगता है, लगने दीजिए, 15 मिनट लगता है, लगने दीजिए, एक एक घूट करके पानी पीजिए। ये पानी पीने का तरीका है, ठीक है। अब एक आगे का पथ्य है कि पानी जो पीना है कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, गार पानी, बर्फ डाला हुआ पानी कभी भी मत पीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे खराब चीज यही है, गार पानी, ठंड पानी। ये जो फ्रिज में पानी की बोतल भर के रखते हैं ना, फिर पीते हैं, ये बहुत ही तकलीफ देने वाला। और कोई लोग तो पानी में बर्फ मिला के फिर पीते हैं, और भी तकलीफ देने वाला। मैं आपको कुछ एक माहिती देता हूं, दूसरे देशों में, विदेशों में मैंने बहुत प्रवास किया है, यूरोप में और अमेरिका में क्या होता है, गार पानी पीते हैं, ठंड पानी, और इतना गार होता है कि पानी फ्रिज में रखते हैं और खूब ठंड होता है, फिर उसमें बर्फ डालते फिर पीते, ये उनका तरीका है। परिणाम क्या होता है, जब बहुत गार पानी पिएंगे तो सवेरे सवेरे जब वो संडास घर में घुसते हैं ना, तो दोनों तास बाहर नहीं आते, वहीं बैठे रहते हैं। उनको पूछो भाई क्या कर रहे हो 2 तास संडास घर में, वो कहते हैं व्रत पत्र पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, पोर्ट साफ नहीं होता, बैठना पड़ता, बहुत ताकत लगाते हैं फिर भी पोर्ट साफ नहीं होता। कभी कभी गाना नहीं गाते, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। उनके तास, दो दो तास बैठते, फिर अंतिम दुष्परिणाम क्या होता है कि पोट साफ नहीं हुआ ना, तो मुंह से बदबू आती है, तो मुंह की बदबू को रोकने के लिए टूथपेस्ट घिसते हैं। लेकिन टूथपेस्ट क्या करता है, 15 मिनट बदबू दूर करता है, फिर आती है, तो फिर वो माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। और जास्ती तास संडा साफ नहीं हुआ तो शरीर से दुर्गंध बहुत आती है, पसीना निकलता है ना, उसमें बहुत दुर्गंध आती है, और उस पसीने की दुर्गंध को दबाने के लिए सेंट स्प्रे करते हैं, टेलकम पाउडर लगाते हैं, ताकि ये पसीने की दुर्गंध दबी रहे। लेकिन इतने मूर्ख हैं, पोट साफ नहीं करते, बाकी सब करते हैं, दांत में पेस्ट घिसेंगे, लिस्ट्रीन स्प्रे करेंगे, बगल में स्प्रे करेंगे, यहाँ स्प्रे करेंगे, टेलकम पाउडर लगाएंगे, लेकिन बदबू तो आती ही है, क्योंकि वो तो अंदर की खराबी है, अंदर की खराबी ठीक नहीं करते, क्योंकि गार पानी पीते रहते। और ज्यादा दिन अगर ये पोट साफ नहीं हुआ तो फिर आप जानते हैं, ये जो मल है यही पोट में चिपक चिपक के अंतड़ियों पर इकट्ठा होता है, तो यही फिर बवासीर, मूलव्याध और बगंदर में बदल जाता है। और ज्यादा दिन पोट साफ नहीं हो तो शरीर में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा। और आप कभी अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका में 27 कोटि की लोकसंख्या है और लगभग 14 से 15 कोटि लोग भयंकर मोटे हैं, इतने मोटे हैं कि 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी 140 किलो का, 150 किलो, हाथी का बच्चा। हाँ, और उनका जो क्लासरूम होता है ना, उसमें दरवाजा बहुत चौड़ा होता है, क्योंकि छोटे दरवाजे में निकल ही नहीं सकता, इतना मोटा। फिर वो मोटापा जब ज्यादा हो जाता है ना, तो गंभीर रोग होता है, हृदयघात हो गया, हार्ट अटैक आ गया। अमेरिका में हर साल लाखों नागरिक हृदयघात से मरते हैं, और वो मोटापे से होता है। इसलिए मेरी आपको विनती है, गार पानी कभी नहीं पीना, ठंड पानी गलती से भी नहीं पीना। तो फिर आप पूछेंगे पानी कैसा पीना, कोवट पानी पीना। अभी ठंडी का समय आ गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
चार महीने कोमट पानी पीना, फिर मार्च आ जाएगा, मार्च में गुड़ी पड़वा आएगी ना, तो गुड़ी पड़वा के बाद आप पानी पीना ताम्र पात्र का रखा हुआ, तांबे के भांडे में रखा हुआ, तो तीन महीने पीना, मार्च अप्रैल मई, मई जब आ जाएगा तभी मिट्टी के भांडे का पानी पीना, लेकिन बर्फ डाला हुआ गार पानी कभी नहीं पीना। अभी जब ठंडी का समय है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो कोमट पानी पीना है, थोड़ा गर्म करके पीना है, फिर उसके बाद तांबे के भांडे का पीना है तीन महीने, और बाकी तीन चार महीने जो बच गया तो मिट्टी के भांडे का पानी पीना है, गार पानी बर्फ का पानी कभी गलती से भी नहीं पीना। अच्छा अब आगे चलता हूं, एक और पथ्य है कि सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो रात्रि में, मैंने आपसे कहा ना लार तो बनती रहती है लेकिन कम होती है, लेकिन रात्रि में जो लार बनती है ये बहुत बहुत कीमती होती है, सबसे ज्यादा कीमती होती है। तो जैसे ही सुबह आप सोकर उठे हैं तो सबसे पहले पानी पीना ताकि लार अंदर जाए, कुल्ला नहीं करना, दांत नहीं घिसना, पहले पानी पीना। अगर आपको दांत घिसना है तो रात्रि को जेवन नंतर, जब आप सोते हैं ना तो दांत घिस के सोना, सवेरे उठ के पहले पानी पीना, उसके बाद संडास जाना, संडास से बाहर आने के बाद फिर दांत घिसना सकर। तो इसमें क्या होगा, रात्रि को जो लार मुंह में है वो इधर उधर जमा रहती है, इधर जमा हो जाती है, इधर जमा होती है, तो फिर पानी पिएगी ऐसे करके पी लीजिए उसको, तो सब अंदर चली जाए, और सवेरे सवेरे उठ के ही पानी पीना है तो कितना पानी पीना, तो इसके लिए पथ्य है कि कम से कम तीन गिलास पीना। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है तीन गिलास, तो इसके लिए ऐसा करिए कि आप एक गिलास से शुरू करिए, अभ्यास करिए, कल एक गिलास पीजिए, दो चार दिवस एक गिलास पीते रहिए, फिर एक गिलास से डेढ़ गिलास कर दीजिए, फिर दो चार दिन बाद दो गिलास कर दीजिए, फिर ढाई गिलास कर दीजिए, फिर 15-20 दिन में तीन गिलास पीने लगे, और तीन गिलास पानी पीकर फिर आप संडास जाइए, तो संडास में बैठते ही आपका पोट साफ हो जाएगा। और मेरा एक सूत्र है वो आप हमेशा याद रखें, कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं निरोगी हूं स्वस्थ हूं या रोगी हूं बीमार हूं, तो इसका क्या तरीका है जांच करने का, तरीका बहुत सरल है, संडास घर में जिस व्यक्ति को जितना कम समय लगता है वो उतना ही स्वस्थ है। अगर आप संडास घर में गए 5 मिनट के बाद बाहर आ गए आप स्वस्थ हैं, और आधा घंटे के बाद आ रहे हैं 30 मिनट लग गया तो बीमार है। बढ़िया फॉर्मूला है, इसमें कुछ जांचने की जरूरत नहीं है, आपको बैठते ही पोट साफ होना चाहिए तो आप स्वस्थ हैं, और बैठ के इंतजार करना पड़ता है तो बीमारी है, और वो बीमारी अगर ठीक नहीं किया तो वही बवासीर, मूड़ व्याध, बगंदर, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, कैंसर, ये सब रोगों में बदलेगी वही बीमारी, इसलिए बैठते ही पोट साफ होना चाहिए। तो बैठते ही आपका पोट साफ होगा जो आप ये नियम का पालन करेंगे, सुबह उठे उठते ही पहले तीन गिलास पानी पी लीजिए घूट घूट भर के, फिर संडास के लिए जाइए, बैठते ही पोट साफ हो जाएगा। अब मैंने आपको जो पथ्य बताए हैं वो 10 हो गए, फिर से याद कराता हूं, सबसे पहला पथ्य में बोला था भोजन के 1 तास बाद पानी पीना, पहला। दूसरा पथ्य मैंने बोला कि भोजन को चबा चबा के खाना, जितने दांत हैं उतनी बार चबो। तीसरा पथ्य मैंने बोला कि कभी भी भोजन करना है और उसके बाद पीना है कुछ तो सकाळी जेवण नंतर जूस, दुपारी जेवण नंतर ताक, रात्रि जेवण नंतर दूध। चौथा सूत्र मैंने बोला कि पानी कभी भी पीना हो
तो घूट घूट भर के पीना, फिर आगे का सूत्र मैंने बोला कि गार पानी कभी नहीं पीना, ठंड पानी कभी नहीं पीना, कुंवर पानी पीना अभी सर्दी के दिन में, और जब थोड़ा गुड़ी पड़वा से गर्मी शुरू होगी तांबे के भांडे का, और जास्ती गर्मी होगी तो मिट्टी के भांडे। फिर मैंने नियम बताया कि सकाड़ी उठते ही सबसे पहले पानी पीना, उसके बाद आपको संडास में जाना। ये कुल मिला के अभी 10 सूत्र हो गए। आपके समझ में आ गए? नहीं आए हो तो पूछ लो। बराबर समझ में आया? आपको पीछे समझ में आया? आपको समझ में आया? सबको समझ में आया? आगे बढ़ू? नहीं आया हो तो पूछ लो अभी। अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो अभी पूछो प्रश्न। बराबर समझ में? चलो अब आगे बढ़ता हूँ। हमारे शरीर को जीवन जितना आवश्यक है, नींद उतनी ही आवश्यक है। निद्रा, झोंक बहुत आवश्यक है, झोंक। और अगर झोंक अच्छी नहीं है तो कम से कम शरीर में 50 रोग होते हैं, अगर झोंक अच्छी नहीं है। जिनको भी अच्छी झोंक नहीं है उनको सबसे पहला रोग शुरू होता है डोके दुखना, आंख दुखना, मांडी दुखना, कंधे दुखना, और जास्ती दिन झोंक अच्छी नहीं आएगी तो और भी खतरनाक रोग होते हैं। और उनमें से एक तो रोग इतना खतरनाक होता है, मिर्गी के दौरे पड़ना, अपस्मार होना, एपिलेप्सी होना, ये सब रोग झोंक अच्छी नहीं होने के हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जीवन इतना अच्छा, झोंक उतनी अच्छी, झोंक भी अच्छी होनी चाहिए। आप बोलेंगे अच्छी झोंक कितनी होनी चाहिए? उसका नियम ये है कि आप अगर खेत में काम करते हैं, काश्तकार खेत करी है, तो कम से कम आपकी झोंक 7 से 8 तास होनी चाहिए। कम से कम 7 तास, जास्ती से जास्ती 8 तास, इतनी झोंक आपकी होनी चाहिए। अगर खेत में काम करते हैं, काश्तकार है, शरीर का काम करते हैं, कोई लोग अगर मजदूरी करते हैं तो उनको भी 7 से 8 तास की झोंक होनी ही चाहिए। शरीर का जितना ज्यादा मेहनत है उतनी ज्यादा झोंक होनी चाहिए। और अगर खाली मानसिक काम करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, पेन चलाते हैं, कागज पर लिखते हैं, जैसे बैंक में आप काम करते हैं, बैंक में शरीर का तो कुछ काम नहीं है, कुर्सी पर बैठे, मेज पर रजिस्टर, उसमें लिखना, तो ऐसे लोग जो शरीर का काम नहीं करते, जैसे टीचर है, क्लास में खड़े खड़े पढ़ाना है, या बैंक में काम कर रहे हैं, या तो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां मेज कुर्सी पर भी बैठना पड़ता है और कुछ नहीं, तो ऐसे लोगों की कम से कम झोंक 6 तास होनी चाहिए, जास्ती से जास्ती 7 तास होनी चाहिए। माने किसी भी स्थिति में 6 तास की झोंक तो होनी ही चाहिए और जास्ती से जास्ती 8 तास की होनी चाहिए। ये किसके लिए है? बड़े लोगों के लिए। बड़े लोगों से मतलब जिनकी उम्र 60-70 साल से लेकर 25-30 साल के बीच में है, उनके लिए। और जिनकी उम्र 14-15 साल के आसपास है, 20 के नजदीक है, वो 1-2 तास जास्ती सो सकते हैं, 9 तास की झोंक ले सकते हैं। और उससे भी छोटे हैं, 5-6 साल के बच्चे हैं, इनको 10 तास की झोंक चल सकती है। और जो सबसे छोटे बच्चे हैं, 3 बरस से कम, उनको 12 से 14 तास की झोंक चाहिए। और जो 1 बरस से कम है उनको 18 तास की झोंक चाहिए। ये तो बच्चे की उम्र जितनी कम है झोंक उतनी ज्यादा, उम्र जितनी ज्यादा झोंक उतनी कम। तो हम देख ले हमारी उम्र क्या है, उसके हिसाब से जोड़ लें। अब अच्छी झोंक आए आपको तो इसके लिए आयुर्वेद ने कुछ पथ्य बताया। सबसे पहला पथ्य ये है कि रात्रि को झोंक लेने का समय पक्का करिए आप, 9 बजे। तो 9 बजे आपको सोना है तो सुबह 6 बजे उठिए, बराबर झोंक पूरी होगी।
और अगर कुछ ज्यादा देर हो रही है तो 10 बजे सोइए, सुबह 7 बजे तो हर हालत में उठ जाए, और 9 बजे के पहले सो सकते हैं, 8 बजे तो सुबह 5 बजे उठ जाइए, 7 बजे सो सकते हैं तो सुबह 4 बजे उठ जाइए। समय नक्की करिए, ये पहला सूत्र है। दूसरा नियम है, दूसरा सूत्र है कि आपको शाम को अच्छी झोंक लेने की है तो झोंक लेने से कम 2 से 3 तास पहले आपका भोजन होना चाहिए। अगर 9 बजे झोंक लेना है तो 6 बजे आपको भोजन खाना चाहिए, 10 बजे झोंक लेनी है तो 7 बजे आपका भोजन हो जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसा करेंगे कि 10 बजे भोजन किया और सीधे झोंकने के लिए लेट गए तो जरूर आपको हृदय घात होगा, कोई नहीं रोक सकता, डायबिटीज भी होगा, कोई नहीं बचा सकता, आर्थराइटिस भी होगा। खाना खाते ही जो सोने के लिए जाते हैं उनको बहुत तकलीफ आती है, इसलिए आयुर्वेद का नियम यह है कि जब भी आपको सोना है 8 बजे 9 बजे 10 बजे आप तय करिए, उसके 3 तास पहले भोजन होना, ये है। मैं तो आपको एक सरल नियम बताता हूं कि शाम का भोजन आप उस समय कर लीजिए जब सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त का समय जो है ना, शाम का भोजन कर लीजिए, फिर उसके 2-3 तास के बाद आप सो सकते हैं, तो ये नियम है। और दूसरा है कि आप जब सोने के लिए जाएंगे तो आपका जो सिर है और जो पांव है इसको किस दिशा में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो सूर्य की दिशा है, सूर्य की दिशा माने पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में हमेशा आपका सिर रहना चाहिए और पश्चिम दिशा में आपके पांव रहने चाहिए, ये है नियम। पूर्व में सिर, पश्चिम में पांव। और कभी कभी अगर इसमें कुछ बदल करना है तो एक ही बदल हो सकता है कि दूसरा आपको बदल करना है तो दक्षिण में सिर और उत्तर में पांव। कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके मत सोना, नहीं तो बहुत जल्दी मृत्यु आएगी। आपको मालूम है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका सिर हमेशा उत्तर की दिशा में किया जाता है, पांव दक्षिण में, क्योंकि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है, मरने के बाद ही व्यक्ति का सिर उत्तर में किया जाता है, जीवित रहने पर नहीं। तो इसलिए इसका याद रखना बहुत जरूरी है, पूर्व दिशा में सिर, पश्चिम में पांव, ये सबसे अच्छा है। और अगर कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है तो दक्षिण में सिर, उत्तर में पांव। कर सकते हैं, आज ही घर में बदल कर लीजिए। आपके घर का जो बिस्तर है, अगर आप चारपाई पे सोते हैं, पलंग पे सोते हैं तो उसका सिर पूर्व दिशा में कर लीजिए, जमीन पे सोते हैं तो सबसे अच्छा, कभी भी आसानी से बदल किया जाता। तो अच्छा झोंक लेना है तो पूर्व में सिर करिए, ठीक है। अब उसके आगे का एक तक है कि जब आप झोंक लेने के लिए लेट गए तुरंत झोंक आनी चाहिए आपको, ये नहीं कि ऐसे ऐसे बदल कर रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। बहुत लोग हैं आधा आधा तास ऐसे घूमते रहते हैं बिस्तर पे, झोंक ही नहीं आती, तो इसका मतलब कुछ रोग है आपको। तो तुरंत आपको झोंक आए इसके लिए एक बहुत सरल पथ्य है आयुर्वेद का कि आप जैसे ही लेट गए तो ये दाहिना नाक है ना, इसको बंद कर दीजिए और बाएं नाक से सांस भरिए और छोड़िए, सांस भरिए सांस छोड़िए, सांस भरिए सांस छोड़िए, ऐसे करते हैं। बस 2-3 मिनट अगर आपने ये करना शुरू कर दिया बहुत अच्छी झोंक, 2-3 ही मिनट इसका असर होता है, फिर सो जाइए, फिर कोई हरकत नहीं। अब आप पूछेंगे कि सही सोने का कैसे है, सीधा सोना, पेट के बल सोना, पीठ के बल सोना, ऐसे करवट में, ऐसे करवट में,
तो रात्रि को जब सोना हो तो पीठ नीचे पेट ऊपर ऐसे ही सोना अच्छा होता है, अच्छी झोंक उसी में आती है। दोपहर को अगर आप सोना चाहते हैं भोजन के बाद, तो हमेशा ये जो बायां हाथ है ना, लेफ्ट, क्या कहते हैं डावा मराठी में, तो दावा बाजू आपको लेटना चाहिए दोपहर को भोजन नंतर। तो दोपहर की झोंक लेनी है तो ऐसे करके लीजिए, रात्रि को दोनों हाथ फैला के सिर आसमान की तरफ, चेहरा आसमान की तरफ, पीठ के नीचे ऐसे सोना है। तो झोंक अच्छी आएगी तो झोंक से होने वाले रोग कभी नहीं आएंगे, ठीक है।